नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्पर्श परियार जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और वो टाइम टाइम पे किश्तवाड़ से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं, और आज कुछ इन्हीं मुद्दों को लेके वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। तो स्पर्श जी, आपका स्वागत है फायर मीडिया में। पहले धन्यवाद सपना जी, आपका आपने मौका दिया बात करने का। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके आज आप फायर मीडिया से बात करना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली मुद्दे अभी रिसेंट जो एक इशू आ रहा है, बर्निंग इशू है, वो है हमारा स्कूल एजुकेशन का। जो कमिश्नर एजुकेशन ने कुछ रोज़ पहले जो है एक ऑर्डर पास करवाया, और ऑर्डर में 4 लेक्चरर्स की जो है ट्रांसफ़र हुई है, और इसमें अगर मैं पर्टिकुलर एक लेक्चरर का नाम लूँगा, मिस्टर संदीप सिंह, सीनियर लेक्चरर है मैथ्स के, जिनकी ट्रांसफ़र की गई हायर सेकेंडरी बॉयज़ से हायर सेकेंडरी गुंदना डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो मैं पहले सवाल करना चाहूँगा कमिश्नर एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस से, कि ये क्या ऐसा रीज़न है कि एक ही लेक्चरर की एक महीना पहले भी पोस्टिंग होती है, फिर एक महीने के बाद भी उसको वापस से पोस्ट किया जाता है? बल्कि आपको पता है कि यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में कुछ रोज़ पहले एंटी इंडियन स्लोगन्स, एंटी नेशनल स्लोगन्स के नारे लगे, और सेम चीज़ जो है गर्ल्स हायर सेकेंडरी में भी हुई, लेकिन पर्टिकुलर एक ही बॉयज़ हायर सेकेंडरी पर एक्शन क्यों वहाँ के टीचर्स पर, या गर्ल्स हायर सेकेंडरी के टीचर्स पर इंक्वायरी क्यों नहीं, और इंक्वायरी सही तरीके से क्यों नहीं? ऑलरेडी आप पर्टिकुलर टीचर को लेकर सफ़र क्यों करवा रहे हो? इंक्वायरी बैठे तो उसमें बाकी उन टीचर्स का भी नाम सामने आए जिन लोगों ने उस एंटी नेशनल स्लोगन्स के समर्थन में शायद उन बच्चों का साथ दिया, या उन बच्चों के नाम सामने नहीं आए जिन्होंने बात की जाए इन स्लोगन्स की। स्लोगन्स बच्चों द्वारा दिए गए हैं स्कूल्स में, और ट्रांसफ़र टीचर्स की होती है, ना कि उन स्टूडेंट्स को सामने लाया जाए, उनको पनिश किया जाए क्योंकि स्लोगन्स उनको दिया था। चलो टीचर्स पे भी अगर इंक्वायरी बैठती है वो भी ठीक है, लेकिन ये किस हद तक ठीक है कि स्टूडेंट्स को सामने अभी तक नहीं लाया गया जिन्होंने स्लोगन लाए? लगभग एक महीना हो गया इस चीज़ को। देखिए, मैं यही चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो एंटी नेशनल स्लोगन्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लगते हैं, पहले तो ये बहुत ही निंदा करनी जानी चाहिए कि ऐसे एंटी नेशनल स्लोगन हमारे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चलते हैं। कहाँ उस वक्त एक तो नाकामयाबी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी रही जो ऐसी चीज़ हैपन हुई, नाकामयाबी वहाँ के स्टाफ की मेंबर्स की रही, वहाँ के जो वहाँ का प्रिंसिपल थी उनकी नाकामयाबी रही, और उन टीचर्स की नाकामयाबी रही है खासकर जिन्होंने वैसे स्लोगन्स लगने में उन बच्चों का समर्थन दिया है। और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है गलत टीचर्स पर गलत गाज गिरा रहा है, जिनकी ऑलरेडी जो सफ़र कर रहे हैं ट्रांसफ़रों से, एक एक महीने में उनकी दो दो पोस्टिंग, दोबारा एक महीने के बाद एक और पोस्टिंग। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये पर्टिकुलर टीचर्स को जो है हैरास करना चाहिए। मैं सीओ एजुकेशन किश्तवाड़ से दरखास्त करता हूँ, मैं सीओ एजुकेशन किश्तवाड़ को एक बात क्लियर करता हूँ कि उनके कानों तक ये आवाज़ जाए, और सीओ एजुकेशन जो है आगे डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड को जो है कन्वे करे कि जो ये पोस्टिंग्स हुई है ये स्ट्रिक्टली गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जी, तो सर जैसा कि आपने अभी कहा कि ये ट्रांसफर्स को लेके आप सोशल एक्टिविस्ट है, आपको आपने जब ये चीज़ सुनी, आपने इस चीज़ को सामने लाया, तो जिन दिनों एक महीना पहले जब ये स्लोगन्स वाली बात आई थी तो तब आप लोग कहाँ थे, तब आपने इस चीज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, आपने शायद आपको पता नहीं है कि ये एंटी नेशनल स्लोगन्स के लिए एक डेपुटेशन भी गई थी, डेपुटेशन तो हिंदू परिषद द्वारा गई थी। मतलब एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपने तब क्या किया? मेरी ऑलरेडी विश्व हिंदू परिषद के जो मेंबर्स है उनके साथ बात चल रही थी इस विषय में, और मैंने इस विषय में उनके साथ ये बात कही थी। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर डेपुटेशन डीसी साहब के पास गई, और उसके बाद आपको पता है आज तो आप देख रहे हैं कि कैसे राष्ट्रगान और प्रॉपर भारत माता की जय के नारे स्कूल्स में लग रहे। वो शुक्रिया अदा हम डीसी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का करेंगे जिन्होंने बहुत जल्दी जो है उसके बाद एक्शन लिया। जी सर, अभी भी लेकिन जो वो स्टूडेंट्स हैं वो उसी स्कूल में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर टीचर्स को तो पता ही होगा वो स्टूडेंट्स कौन है, तो टीचर्स द्वारा वो स्टूडेंट सामने क्यों नहीं लाए गए हैं? देखिए, बच्चों का भविष्य का विषय है, स्कूल में कोई पॉलिटिक्स होना चली, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई एक समान है, हर स्टूडेंट एक समान होता है, तो आप बोल रहे हो कि उनके भविष्य के सवाल है, वो तो भविष्य खराब कर रहे हैं ना, अपना भविष्य ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। मतलब नेशनल मीडिया तक ये बात चलेगी, नेशनल टेलीविजन पर दिखा है कि किश्तवाड़ से स्कूल से जो है बच्चे जो है नारे लगा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा कि इस विषय पर इंक्वायरी की ज़रूरत थी। मैंने आपको कहा कि पर्टिकुलर टीचर्स पर गाज क्यों गिरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्यों पर्टिकुलर टीचर्स की ट्रांसफ़र की। मैंने कहा कि इंक्वायरी हो और इंक्वायरी में पता लगाया जाए, गर्ल्स हायर सेकेंडरी में भी इंक्वायरी बैठे, बॉयज़ हायर सेकेंडरी में भी इंक्वायरी बैठे, और इंक्वायरी में पता लगाया जाए कि कौन टीचर थे जिन लोगों ने उन बच्चों को, जिन टीचरों ने उन बच्चों का समर्थन दिया उस विषय में, और अगर उन्होंने समर्थन दिया
एक्शन तो उन पे हो, इवन एक्शन में कहता हूँ खाली ट्रांसफर ना हो उन पे, उन पे तो सस्पेंशन हो, लेकिन जो टीचर्स इस चीज़ में मैटर में इन्वॉल्व नहीं है उन टीचर्स को पर्टिकुलर आप उठाकर हरास कर रहे हो, एक महीना पहले पोस्टिंग, उसके बाद एक महीने के बाद और पोस्टिंग, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर टीचर की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सीओ एजुकेशन से भी दरखास्त है, कमिश्नर एजुकेशन से भी दरखास्त है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरखास्त है। ये तो बॉयज़ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो ये सामने मुद्दा आ गया है, और स्टूडेंट्स तो अभी सामने नहीं आए, लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ले आती है तो आप क्या चाहते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कैसा व्यवहार करनी चाहिए? देखिए पहली मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, आइदर प्राइवेट, आइदर गवर्नमेंट, आइदर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा है, पहले बच्चों की एक काउंसलिंग हो। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का हम खाते हैं और उस देश के खिलाफ हम एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाएंगे। जहां आज हम 13 और 15 अगस्त के बीच जो है हर घर तिरंगा लगाने वाले, जहां हमारे देश के प्रति हमारे इतना मतलब हमारे कर्तव्य होने चाहिए देश के लिए, आगे आके हमारे यूथ जो हमारा भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं उनको आगे आना चाहिए देश के लिए कुछ काम करने के लिए, कहाँ उनको इंडियन आर्मी में जाए, कहाँ वो देश के प्रति कुछ अच्छा कार्य करे, ना कि एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग हो, उनकी काउंसलिंग हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, उनकी काउंसलिंग हो, जिन लोगों ने ये एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए जिन बच्चों ने, उनको प्रॉपर बुलाया जाए, उनको गाइड किया जाए, उनके दिमागों को रीड किया जाए कि उनके दिमागों में ये जो जहर भरा है तो ये जहर भरा किसने है, और ये जहर भरने वाले कौन लोग हैं जो यहाँ पर ऐसी साजिश चला रहे, यहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे। तो बच्चों के भविष्य का खराब ना हो उसके लिए बच्चों की काउंसलिंग की जाए और देश के प्रति जो बच्चों के कर्तव्य है वो उनको सिखाए जाए। जिस मातृभूमि में उनका जन्म हुआ है उस मातृभूमि से प्यार करना, उस मातृभूमि की रक्षा करना इन बच्चों को आना चाहिए। तो ये मेरी यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जितने भी गार्डियंस हैं और उन बच्चों के पेरेंट्स हैं खासकर, मैं उनको कहूँगा कि अपने बच्चों को मातृभूमि से प्यार करना, मातृभूमि की रक्षा करना सिखाए, जय हिंद जय भारत के नारे लगाना सिखाए। जी तो ये आपने सुना सोशल एक्टिविस्ट स्पर्श परियार जी ने इस मुद्दे पे लेके क्या कुछ कहा। तो आगे के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फायर मीडिया। जय हिंद।